जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टेनिस कोच द्वारा नाबालिग स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग स्टेडियम में टेनिस की कोचिंग लेने के लिए जाती थी। इसी दौरान वहां के टेनिस कोच गौरांग नलवाया से अच्छे संबंध हो गए। पीड़िता को आगे बढ़ाने और अच्छी परफॉर्मेंस कराने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म की आप बीती पीड़िता ने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो परिजनों को आप बीती बताई। थाना प्रभारी सरोज धायल ने बताया कि गौरांग उदयपुर का रहने वाला है और सवाई मानसिंह स्टेडियम में टेनिस की कोचिंग देता है। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस पूरे मामले को स्टेडियम के कोचिंग लेने आने वाली अन्य नाबालिग स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है। लॉन टेनिस के कोच है, उनके पास एक बच्ची नाबालिग बच्ची थी जो टेनिस खेलने के लिए आती थी। ये 2019 में उसने ज्वाइन किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली बच्ची और उनके पेरेंट्स का कहना है कि टूर्नामेंट के बहाने जयपुर से बाहर भी लेके जाते थे। लेटेस्ट घटना उदयपुर की बताई गई है जो फरवरी मार्च 2021 की टूर्नामेंट के बहाने ले जाके उसके साथ वहाँ रेप किया। कोच कौन है, कब से यहाँ पे कोच 2012 से पोस्टेड है यहाँ पे और उनका नाम है गौरांग। अभी मैडम हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी तफ्ती चल रही है और उनको भी राउंड अप करने की ट्राई कर रही है। हमारी दूसरी टीम लगी हुई है, शीघ्र ही कर लेंगे। कोई और भी लड़कियाँ हो सकती हैं मैडम इसके अलावा? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये घटना सामने आई है बहुत ही सोच से और ये गुरु वाली चीज़ को लेकर बहुत ही शर्मिंदा। Thank you.